हेलो एवरीवन आई एम प्रीति तो एंड वेलकम टू माय चैनल एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, साथ यहाँ पर आप जो सीखते हैं बनाते हैं उसे आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं कैसे वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में उसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में ये तोरण हम बनाना सीखेंगे इसके साइड हैंगिंग का वीडियो अलग है वो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले एक बेस लेन है फोर्टी इंचेस लंबा और टू इंचेस चौड़ा। इस तरह से इसका वो आ, सेंटर हम निकालेंगे फोल्ड करके सिक्स इंचेस की एक रिंग है इस तरह से अगर रिंग की लेस निकली हो तो थोड़ा सा आप इसे रिपेयर कर लीजिए कई बार भेजने में भी निकल जाती है ट्रांसपोर्ट में तो एक फोर इंचज़ की रिंग सिक्स इंचज़ की रिंग हाफ़ पोर्शन में हमें थ्री रिंग्स लगानी है और बाकी का जो हाफ पोर्शन है उसमें थ्री रिंग्स लगानी है टोटल सिक्स तो देखिए हाफ पोर्शन के इस साइड का जो साइड है लेफ्ट या राइट जो भी आप लेते हैं उसमें हमें ये दो रिंग लगानी है इस तरह से बेस के ऊपर चिपकानी है और दो रिंग और हमें सेट करनी है इनके बीच में देखिए इतना इतना सा गेप रहना चाहिए ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें एकदम चिपका के ना करें उसके बाद देखिए ये एक पेज है जिसके पीछे हमें व्हाइट कलर का अंगूर गुच्छे इसे पेस्ट करना है लोटस पेज है और इस तरह के हमें सिक्स पीसेस बनाने हैं यहाँ पर ऊपर में ग्लू लगाएंगे और अंदर की तरफ लटका हुआ रहना चाहिए ये पेज देखिये फोर इंचस की जो रिंग है उसके अंदर लटका हुआ और सभी रिंग्स जो हम लगाएंगे यहाँ पर थ्री लगा रहे हैं सिक्स लगाने हैं टोटल सबके ऊपर ये हम पेस्ट कर देंगे उसके बाद रिंग्स के बीच की जो जगह है वहाँ पर फिलर्स हमें लगाने हैं दो फिलर्स यहाँ पर इस तरह से आप पहले थोड़ा सा इसे पेस्ट करके रख दीजिए उसके बाद फ्लावर जब ऊपर आएंगे तो ये और अच्छे से हो जाएगी एक एक रिंग यहाँ जो है एक एक फिलर जो है यहाँ किनारे पर हमें करना है दोनों किनारों पर करना है उसके बाद देखिए फिलर का जो पीछे का पार्ट है उसे निकाल कर यहाँ रिंग के जस्ट ऊपर सेंटर में लोटस के जस्ट ऊपर हमें फिलर इस तरह से पेस्ट करना है तीन पीस इसके निकल जाएंगे तीनों को हमें पेस्ट करना है उसके बाद देखिए ये प्योरी फ्लावर है इसका पीछे का प्लास्टिक पार्ट निकाल देंगे और इसकी जो डंडी होती है इसे हम गर्म ये जो गन है उसे इस तरह से प्रेस करेंगे कि ये डंडी नीचे बैठती जाएगी और यहाँ पर देखिए एक बटन टाइप का क्रिएट हो जाएगा इस तरह करने से इसके जो पेटल्स है वो निकलेंगे नहीं और पीछे से फ्लेट भी हो जाएगा उसके बाद रेड कलर का एक फ्लावर हमें कॉर्नर में लगाना है उसके पास में व्हाइट कलर का फ्लावर लगाना है इसके पास में वाइन कलर का फ्लावर लगाना ये जो क्रम है ये सभी रिंग के ऊपर सेम रहेगा फ्लावर का ये जो सीक्वेंस है सभी रिंग्स के ऊपर सेम रहेगा और इसी तरह से हमें सारे फ्लावर लगाने हैं इसी क्रम में लगाने हैं किसके बाद कौन सा फ्लावर आ रहा है ये एक पर्पल और वाइट शेडेड फ्लावर है ये लगाना है येलो के पास में और उसके बाद ये जो फिलर हमने लगाए हैं इसके ऊपर हमें फिर से रेड कलर का फ्लावर पेस्ट करना है जस्ट इसके ऊपर हमें सेंटर में पेस्ट करना है इस तरह से देखिए रिंग के पास नहीं फिलर के ऊपर सेंटर में पेस्ट करना है और उसके बाद ये जो वाइन यहाँ पर ऊपर में जो खाली जगह है वहाँ पर एक ये फ्लावर हम पेस्ट करेंगे और वाइन और रेड के बीच में जो जगह है सॉरी ऑफ वाइट शेडेड के बीच में और रेड के बीच में जो जगह वहाँ पर हमने एक फ्लावर पेस्ट किया और यहाँ पर देखिए फिर से हम वही क्रम चलाएंगे रेड के पास में वाइट उसके पास में वाइन कलर हम डालेंगे उससे पहले हम यहाँ पर ये फिलर लगा लेंगे पीछे से कट किया हमने थोड़ा सा उसके पास में वाइट कल वाइन कलर उसके पास में येलो कलर उसके पास में शेडेड फ्लावर और उसी क्रम में सभी रिंग्स के ऊपर हमें ऐसे ही तोरण को कंप्लीट करना है दो तीन रिंग अगर आप देख लेंगे तो आप पूरी तोरण बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो खाली जगह वहां पर हम ये एक फ्लावर पेस्ट कर देंगे इस फ्लावर के पीछे का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आप इस तरह से कट कर सकते हैं जो पेपर लगा रहता है पतला सा फैब्रिक टाइप का ही होता है और रिंग के बीच में फिर से दो फिलर लगाएंगे इसके ऊपर रेड कलर का फ्लावर पेस्ट कर देंगे और शेडेड और रेड के बीच की जो जगह है वहां पर फिर से ये एक फ्लावर है वाइन कलर का इसे हम पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर ये जो है बिस्किट कलर का फ्लावर है इसे पेस्ट कर देंगे तो पूरे तोरण में हमें यही क्रम चलाना है फ्लावर जो है इसी क्रम से लगाना है और इसी तरह से ऊपर की जो जगह है रिंग की उसे फिल करना है यहाँ पर देखिए ये जो फ्लावर है इसके ऊपर भी हम फिलर लगा देंगे यहाँ पर बीच में दोनों फिलर्स के बीच में रिंग के जस्ट ऊपर जो फिलर्स हैं उनके बीच में भी हम ये एक फ्लावर का सेट लगा देंगे जिसमें कि ये तीन स्ट्रेंड निकलेगी थोड़ा सा खाली लग रहा था तो ये हमने बाद में फिल किया आप बनाते टाइम भी इसे लगा सकते हैं और इसी तरह से देखिए पूरी तोरण हमें कंप्लीट करनी है बनी हुई बहुत प्यारी लग रही है बहुत सुंदर लग रही है और इसके जो साइड हैंगिंग है उसका वीडियो अलग से है थैंक्स फॉर वॉचिंग तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं तो ये जो पीस आपने बनाना सीखा है इसका डी आई वाई किट आपको मिल जाएगा डी आई वाई का फुल फॉर्म है डू इट योर सेल्फ इसमें किट में आपको पूरा उतना मटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डी आई वाई किट का आप रेट देख सकते हैं उसकी फोटोज आपको मिल जाएगी जो प्रोडक्ट कपल्स फोटोज मिल जाएंगे डीआईवाई किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आप अपने ग्रुप में और आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें फोटो सर्कुलेट कर सकते हैं आपको जब ऑर्डर आए तभी आप वो किट ऑर्डर कीजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए इतना सिंपल है जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय